मध्य प्रदेश में सरकार फिर बुजुर्गों को साधने में जुटी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू हो गई है। प्रदेश भर से बुजुर्गों को सरकार के द्वारा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर रवाना किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीहोर जिले के जावर नगर परिषद से भी 14 तीर्थ यात्रियों को जगन्नाथपुरी की यात्रा पर भेजा। सीहोर जिले के जावर में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर रवाना किया है। जावर नगर परिषद अध्यक्ष मंजू वैद्य और मुख्य नगर परिषद अधिकारी के मार्गदर्शन में करीब 14 तीर्थ यात्रियों को जगन्नाथपुरी की यात्रा पर रवाना किया है। इस दौरान सभी तीर्थ यात्रियों का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान पूर्वक रवाना किया गया। साथ ही यात्रा मंगलमय होने की मंगल कामनाएं भी की है। सांसद प्रतिनिधि मनोज वैद्य ने तीर्थ यात्रियों को मंगल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्य नगर परिषद अधिकारी आर के यादव ने तीर्थ यात्रियों को नगर परिषद के कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। साथ ही किसी भी तरह की परेशानी होने पर तीर्थ यात्रा में मौजूद कर्मचारियों को अवगत कराएं। तीर्थ के लिए आज हम जावर नगर परिषद से तीर्थ दर्शन योजना जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा चलाई जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हम आज 14 लोगों को जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन के लिए यहां से रवाना करेंगे। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि इनकी यात्रा मंगलमय हो और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहेंगे कि पुनः उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना शुरू की और उसके माध्यम से सभी को दर्शन लाभ हो रहे हैं। मैं उन्हें पुनः जावर नगर परिषद की पूरी पार्षद की ओर से उन्हें शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनकी यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। सीहोर से मोहम्मद अहद सिद्दीकी की रिपोर्ट।